नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तैलक। और इस वक्त हम लाइव खबर दिखा रहे हैं आपको मॉडल टाउन गुरुद्वारे से, और जहां पर आपको बताना चाहेंगे कि एम्बुलेंस चालक है, उनकी जो मनमानी है वो सामने आ रही थी। लगातार उनके द्वारा अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे थे, नजायज़ पैसे वो मरीजों से ले रहे थे। और कल का भी एक वाक्य सामने आया कि जहाँ सोनीपत से एक एम्बुलेंस को लेकर के पानीपत एक पेशेंट लेके आए थे एम्बुलेंस चालक, और उनसे 57,000 रुपये वसूल लिए गए। रोहतक से कुछ दिन पहले एक ऐसा ही मामला आया था, और ऐसा ही इसी को देखते हुए सरबदा भला चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक एम्बुलेंस है वो प्रशासन को भेंट की जा रही है, जिसमें पानीपत के DSP हेडक्वार्टर हैं सतीश वत्स, इनको हरी झंडी दिखाएंगे। फिलहाल लाइव तस्वीर आप सिटी तहलका के माध्यम से देख पा रहे हैं कि एम्बुलेंस को प्रशासन को भेंट किया जा रहा है, और क्या क्या जो सुविधाएं हैं इस दौरान रहेगी। हालांकि जैसा हमें पता चला है कि इसमें ऑक्सीजन भी लगी है, और किन लोगों के लिए ये फ्री रहेगी और कितना चार्ज किया जाएगा ये अभी हम इनसे बातचीत करेंगे जब उसको बताया जाएगा। फिलहाल सिटी तहलका के माध्यम से लाइव खबर देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जिसमें DSP हेडक्वार्टर हैं सतीश वत्स, झंडी को दिखाकर हरी झंडी उसको रवाना कर रहे हैं, और प्रशासन को इसको सौंपा जा रहा है। फिलहाल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं सिटी तहलका के माध्यम से कि पानीपत के मॉडल टाउन से जो गुरुद्वारा है वहां से आप लाइव खबर देख पा रहे हैं। संस्था सर, आपने हरी झंडी दिखाई है, और कुछ शिकायतें भी आ रही थी कि एम्बुलेंस चालकों के द्वारा कुछ नाजायज वसूला जा रहा था, और ऐसी संस्थाएं जब आगे आ रही हैं तो कैसे सोचते हैं और किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, समाज में हर तरह के लोग हैं, जो इल मेंटेलिटी के लोग ज़्यादा हैं, जो ऐसे समय में भी जो ना लोगों को लूटने की सोचते हैं। ऐसी कई जगह से शिकायतें एम्बुलेंस वगैरह के बारे में भी आ रही थी, हॉस्पिटल से भी आ रही है कि जो नियत रेट हैं उनसे ज़्यादा लेते हैं। तो इस बारे में ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और आज इन्होंने एक एम्बुलेंस समाज के हवाले की है। ये अवश्य ही जो लोग गरीब हैं, नीडी हैं, और जो समय पर इलाज इनको नहीं मिल पाता, उनके लिए समय पर गाड़ी उपलब्ध हो जाएगी, तो हो सकता है जिसका समय पर इलाज मिलने से जान बच जाए। ऐसे ये बहुत समाज के लिए बड़े फायदे की चीज़ है, और जैसा आप देखते हैं कि मरीज़ इतनी संख्या में होते हैं, एम्बुलेंस हर एक के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती, तो हर आदमी वो जितनी भी इसमें सुविधा बढ़ाई जाए, जितना भी एक एक एम्बुलेंस बढ़ती रहेगी, तो अवश्य ही कोई भी ऐसा आदमी नहीं बचेगा जिसको समय पर एम्बुलेंस ना मिले। और पुलिस प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि किसी भी तरह का क्राइम हो, चाहे वो अवैध वसूली हो या कुछ भी हो, उस पे कंट्रोल करेंगे, तो ये भी एक अवैध वसूली है। देखिए, इसमें कोई जो है ना, लोग ऐसे होता है कि आदमी ये सोचता है समय पर कि जान बच जाए, तो वो चुपचाप पकड़ा देते हैं, हमारे तक कोई भी शिकायत नहीं आ पाती। अरे भाई, हवाई बातें हमें सुनने को मिलती हैं, वो ज़्यादा ले लिए, लेकिन जब कोई कंप्लेंट सामने नहीं आएगा जब तक बड़ा मुश्किल है। लेकिन वैसे भी हम नज़र रखे हुए, कोई भी हमें ऐसा पता लगता है तो फिर हम उनका चालान भी करते हैं। एक थोड़ा सा एक सवाल और है सर इससे हटके, कि दुकानदार हैं, दुकानें खोल रहे थे, लेकिन 10-12 दिन के बाद थोड़ा सा कुछ नज़र आया कि उसका असर प्रशासन की सख्ताई, गिरफ्तारियाँ जैसे हो रही है, और उसी बीच अब डर सताने लगा उनको कि भाई मार्केट के अंदर अगर जो गिरफ्तार हुए तो बेइज्जती होगी, और सोशल मीडिया पे फोटो वायरल होंगे, उसी को देखते हुए थोड़ा सा कोरोना से कम प्रशासन से थोड़ा सा वो डरने लगे। वैसे तो देखिए, हर आदमी का कर्तव्य बनता है ऐसे समय पे कि कम से कम और किसी की कुछ सेवा ना कर सके तो अपने आप को सुरक्षित तो कम से कम रखें, लेकिन हमारे लोग ऐसे हैं कि उसमें भी खुद की के प्रति भी लापरवाही बरतते हैं। तो ये जैसे जैसे हमने देखा कि लोग जैसे पुलिस निकलती है तो पीछे दुकानें खोलते चले जाते हैं कई लोग,
उसका भी हमने इंजाम किया, सिविल में लोग लगाए, तो इस प्रकार से सख्ताई हमने की हुई है। तो कोशिश है कि जब तक सरकार के आदेश हैं लॉकडाउन के, हम इसकी पूर्ण पालना करवाएं। तो सर लोगों के लिए तो पाबंदी है, लेकिन आज हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में काफ़ी मंत्री संतरी इकट्ठे हुए हैं, तो धारा 144 का उल्लंघन किया गया, वहाँ पे क्या? देखिए, सरकारी कार्यक्रम था, वहाँ हर आदमी मास्क लगाए हुए था, सोशल डिस्टेंसिंग में था, ऐसे इसमें कोई उल्लंघना मुझे नज़र नहीं। तो देख रहे थे लाइव तस्वीरें, जहां पर डीएसपी सतीश जी के द्वारा भी जो है सवालों के जवाब दिए गए, और इन्होंने कहा कि अगर जो ऐसी शिकायतें हमें मिली कई एम्बुलेंस चालकों के द्वारा जो अवैध वसूली, नाजायज़ तरीके से जो पैसा लिया जा रहा है, और अगर जो ऐसी शिकायतें हमें मिली तो हम इनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने तमाम सवालों के भी जवाब दिए, और इन्होंने कहा कि अगर जो दुकानदार हैं वो सख्ताई जो प्रशासन की तरफ से की जाएगी, और जो दुकानदार हैं वो अगर जो इस बीच भी बाज नहीं आए तो हम उसको सिविल के अंदर पुलिस जो की जो टीमें हैं वो लगाई गई है, और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।